फेसबुक के माध्यम से महिला से दोस्ती कर अपने प्यार के जाल में फंसा कर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। धोखाधड़ी करने वाला कोई आम व्यक्ति न होते हुए खाकी वर्दीधारी है। जी हाँ, ये महाशय नागपुर शहर के पुलिस नियंत्रण कक्ष में पुलिस निरीक्षक पद पर कार्यरत थे, जिनका नाम अरविंद भोए है। इन्होंने इससे पहले भी कई महिलाओं के साथ धोखाधड़ी की है, लेकिन इस मामले में गुनाह दर्ज होते ही भोए को सस्पेंड किया गया है। ऐसी जानकारी पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार द्वारा दी गई है। आए दिन शहर में महिलाओं की धोखाधड़ी बलात्कार के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है, लेकिन यह फर्क सिर्फ इतना है कि यह धोखाधड़ी किसी आम व्यक्ति ने नहीं बल्कि जिम्मेदार पुलिस अफसर द्वारा की गई है। पुलिस नियंत्रण कक्ष में कार्यरत पुलिस निरीक्षक अरविंद भोले इस महाशय का नाम है। वर्दी का सहारा लेकर अब तक ना जाने कितनी महिलाओं से भोले ने धोखाधड़ी की, अपने प्यार के जाल में फंसा कर फिर उन्हें धोखा देना मानो उसके लिए आम बात हो गई थी। इस मामले में भी भोले ने फेसबुक पर पीड़ित महिला से दोस्ती की, फिर उसे अपने जाल में फंसा पीड़िता से मंदिर में शादी भी रचाई। 3 माह तक महिला का लैंगिक शोषण किया और उसे छोड़ दिया। महिला ने इसकी गिट्टी खदान पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की। भोले पर गुनाह दर्ज होते ही पुलिस सीपी अमितेश कुमार इन्होंने भोले को सस्पेंड किया। इंस्पेक्टर भोले के विरुद्ध में एक महिला ने फिरियाद दिया था कि उन्होंने उनके साथ शादी किया, उनके साथ उनकी और तकरार थी, जिसके तहत 376 और 419 420 का गुनाह दाखिल किया गया है। उसमें उस प्रकरण में उनको निलंबित किया गया है, बाकी तपास शुरू है। भोले पर गुनाह होने के बाद भी भोले सुधरने का नाम नहीं ले रहा है और जमानत के लिए भी लुटेरी दुल्हन का सहारा ले रहा है, ऐसी जानकारी सूत्रों द्वारा मिली है। इस मामले में ये कहना गलत नहीं होगा कि रक्षक ही भक्षक बनेगा तो समाज न्याय की अपेक्षा कहां से करेगा। कैमरा पर्सन माइकल के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़, नागपुर।